नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। कांग्रेस ओवैसी और शिवपाल के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती आजम खां के समर्थन में उतर गई है और आजम खां को लेकर केंद्र और योगी सरकार पर जोरदार हमला भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर सीट से विधायक और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां इस वक्त प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र बने हुए हैं, जिसने अपने साथ लेने के लिए बड़े बड़े नेता और पार्टियां उनसे मुलाकात करने पहुंच रही हैं और उनका समर्थन भी कर रही है। अब इस कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी आजम खां के समर्थन में उतर आई है। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को ट्वीट कर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया कि यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह जिस प्रकार से टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को जुल्म, ज्यादति और भय आदि का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, वो अति ही दुखद है। जबकि दूसरों के मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। वही दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण और आतंकित कार्रवाई तथा वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खां को करीब सवा दो वर्षों से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है, जो लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। वही एक और ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा कि साथ ही देश के कई राज्यों में जिस प्रकार से दुर्भावना और द्वेषपूर्ण रवैया अपनाकर प्रवासियों और मेहनतकश समाज के लोगों को अतिक्रमण के नाम पर भय और आतंक का शिकार बनाकर उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, वह अनेकों सवाल खड़े करता है, जो अति चिंतनीय भी है। इस ट्वीट के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि आजम खां से सीतापुर जेल में मिलने के लिए बीएसपी को राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जा सकते हैं। चर्चा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात इसी हफ्ते हो सकती है। वो मायावती के दूत के तौर पर आजम खां से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है कि ऐसे में दोनों ही नेताओं की सियासी बातचीत भी जरूर होगी। ये भी चर्चा है कि आजम खां के करीबियों के साथ बीएसपी के एक बड़े नेता की मीटिंग भी हो चुकी है और जिसके बाद से ही सतीश चंद्र मिश्रा की आजम खां के साथ मुलाकात की बात चल रही है। अब माना जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा की आजम खां से मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं में कुछ सियासी समीकरण बन सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर दोनों ही नेताओं की यह मुलाकात क्या रंग लेती है। क्या आजम खां बसपा के साथ जाते हैं या फिर अपना अलग कोई और रास्ता खोजते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।